विधानसभा ज्वालामुखी से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में शीश नवाकर हजारों समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय तक रोड शो भी निकाला और अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद समर्थकों सहित पूरे शहर की परिक्रमा और चुनावी सभा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने कहा कि 2012 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर पांच वर्ष क्षेत्रवाद जातिवाद के बिना समान रूप से हर वर्ग को विकास कार्यों से लाभान्वित किया है। ये क्षेत्र ज्वालामुखी मंदिर माँ के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर और पहचान मिले। देखिए, आज मैंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के लिए माँ ज्वाला का आशीर्वाद लेके और ज्वालामुखी की जनता का आशीर्वाद लेके अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ज्वालामुखी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद मुझे देगी और एक बार फिर मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। जो विकास के काम 12 से 17 के बीच में जब हम विधायक थे उस वक्त हमने शुरू किए थे, कुछ एक तो हमने उस वक्त कंप्लीट कर दिए थे, जैसे आज हम इस सचिवालय में खड़े हैं SDM कार्यालय में, ये भी हमारे समय में ही बनाया गया और इस SDM ऑफिस भी हमारे समय में खोला गया और ये मिनी सचिवालय भी हमारे समय में बनाया गया। कई काम हमने उस समय में पूरे कर दिए थे लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए थे और हम कोशिश करेंगे कि उन अधूरे कामों को भी पूरा करें।